तो यार बहुत बहुत कदम समीर गलत के नेक्स्ट एपिसोड में मेरे सामने आज यहाँ पे करण सर है, करण सर फ्रॉम केएस मोटर स्पोर्ट। करण सर कैसे हो? गुड आफ्टरनून, बस आप बताओ। करण सर ने फर्स्ट टाइम जो हमारा इंट्रो सुना सर को बहुत हंसी आई। सर मतलब फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि मतलब अपने इस फील्ड में इतना कैजुअल में जो बात करते हैं ऐसे कि कोई है नहीं ना, मतलब मेरे ऐसा, आपको क्या लगता है? नहीं हाँ, फर्स्ट टाइम तो तेरे जैसा कोई आदमी को मिला तो ये एक्शन में बात कर रहे, मतलब कोई दिल्ली से तो आता नहीं यहाँ पे शूटिंग करने को, तो यूजुअली पीपल कम फ्रॉम साउथ इंडिया, कैमरा वैमरा लेके, यस हाउ आर यू, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, तो यू आर द फर्स्ट वन आई हर्ड लाइक दिस। अच्छा लगा आपको? बस मजा आ रहा है। मैं चाहता हूँ सर ज्यादा से ज्यादा ना मासेस तक वीडियो पहुंचे हमारी, ठीक है, क्योंकि कैमरा के साथ ना सेटअप बड़ा प्रोफेशनल अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर जितना रॉ रखेंगे उतना गांव-गांव तो वीडियो पहुंचेगी, उनको उनको पता लगेगा क्या 2JZ होता है, क्या मतलब फर्स्ट कौन सी कार में 2JZ आया था, है ना। जैसे हम अरिस्टो की बात करते हैं, अरिस्टो में फर्स्ट टाइम 2JZ आया था। अच्छा मेरे सामने यहाँ पे BMW E46 है, ठीक है, द फोर्थ जनरेशन ऑफ BMW 3 सीरीज। सर इसमें हम अभी 2JZ का टॉपिक क्यों लेके आ गए? ये तुम BMW खड़ी है यहाँ पे। 2JZ वाज एन इंजन, 6-सिलेंडर इंजन सोल्ड बाय टोयोटा इन द टोयोटा सुपरा, तो सुपरा में वो फेमस हो गया था 2JZ, सब लोग 2JZ 300 हॉर्स पावर, 400 हॉर्स पावर, 500 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर बिकेम लाइक पॉकेट चेंजर, निकालो तो हॉर्स पावर बढ़ा। एनीवेज 2JZ इज नोन फॉर 400-500 हॉर्स पावर कम्फर्टेबली, तो फिर वो एरिस्टो में आया था, तो वैल्यूएबल इंजन है, तो अभी हम लोग ने वो इंजन निकाल के ये देखो, ये BMW में जैपनीज इंजन 2JZ डाला हुआ है, एंड ऑफ कोर्स वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, यू कैन सी इट्स अ टेंपरेरी, कुछ वायरिंग चल रहा है, गाड़ी कंप्लीट नहीं है। सर मुझे सबसे पहले आप बताओ E46 में कौन सा इंजन आता था? E46 में 4 सिलेंडर था, 6 सिलेंडर था, स्मॉल इंजन 1800 cc, 2000 cc, 2200 cc, 2400 cc, 3000 cc तक था। देखो यार जनता BMW में 2JZ भाई डाल रहे हैं, ठीक है, काफ़ी यूनिक है, आपने तो एम्बेसडर में भी 2JZ डाल दिया था। एम्बेसडर में SR20 था। SR20 इज एन इंजन विच केम इन द निसान, दैट इज अ 4-सिलेंडर 2 लीटर, वो एक्चुअली ना वो E36 में, आप इस तरफ आओगे ना, हाँ हाँ उसको थोड़ा सा दिखाएंगे क्योंकि अलग से एपिसोड बनाएंगे उसका। अच्छा ठीक, हाँ तो थोड़ा सा जैसे ये E46 था ना, हाँ हाँ वैसे वो E36 है, उसके पहले वाला जनरेशन। ओके तो उसमें 4 सिलेंडर है, हाँ। के बाद वाला जनरेशन है तो इसमें 6 सिलेंडर डाला है। अच्छा तो ये आइडियाज कहाँ से आते हैं सर आपको कि यार क्या इसका वो इंजन उतना कैपेबल नहीं था, यहाँ बात कैपेबिलिटी की है या फिर? यस, इंडिया में जो इंजन इसमें आता था, हाँ हाँ, जो फॉर्मेट में ये बिका था ना, ओवर द इयर्स वेयर एंड टेयर करते करते फिर इतना पावरफुल था नहीं, उसमें कुछ ज़्यादा जूस है नहीं, ड्रिफ्टिंग नहीं हो रहा है, पावर नहीं इतना नहीं, ठीक है लग्जरी कार एसी चालू करो चलाओ, ठीक है स्पोर्ट्स कार था, हाँ, मतलब, पर कैपेबल था उस वक्त के हिसाब से, ठीक था कैपेबल, ठीक था, फोर डोर था स्पोर्ट्स का, फोर सीटर कार, हाँ, तो वो इंजन निकाल के हम लोग ने सुपर इंजन डाल दिया, सो इट इज अ फास्ट 4-डोर कार, एंड E46 वॉज ऑलवेज नोन फॉर हैंडलिंग, हमेशा जो भी E46 खरीदता था ना बोलता है मैं खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे को हैंडलिंग पसंद है, अभी हैंडलिंग वाला गाड़ी है मगर उसमें पावर ही नहीं है तो क्या करना है, तो इंजन निकालो, दूसरा इंजन डालो जो पावरफुल इंजन है। जितना सर हमें पता है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड में ये कार बहुत फेमस हो गई थी। मैंने भी सुना था, मैंने खेला नहीं तो मैं गाड़ी बना रहा था, अभी आप लोग खेल रहे थे, मैं गाड़ी बना रहा था। अच्छा इससे सर मुझे जानना है यार, जितने लोगों को नहीं पता आपके बारे में, तो हु इज करण एंड केएस मोटर स्पोर्ट में क्या होता है और क्यों अपने फील्ड में इतने फेमस हो आप? सो आई स्टडीड इन USA, में वापस आया, ओके, फॉर्चुनेटली अपना इनहेरिटेंस पेट्रोल पंप अपना है तो यहाँ पे मैंने मेरी गाड़ी बनाई, फिर एक दोस्त की गाड़ी बनाई, टू गो फास्टर, आइडिया वाज टू गो फास्टर, ओके, तो बस करते 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 फिर केएस मोटर स्पोर्ट 2001 में चालू किया, और फिर इंजन शॉप, टर्बो चेंज। सबसे पहली कार कौन सी थी आपकी पर्सनल? पर्सनल लैंसर थी, एट बॉर्डर लैंसर, लैंसर, हाँ, फिर उसमें मैंने टर्बो लगाया था, फिर वो लैंसर को मैंने ईवो बनाया था, फिर दूसरा ईवो करके करके मैंने कुछ 10-15 ईवो बना दिए थे। अच्छा, उसके पहले होंडाज बनाए थे, फ्रंट व्हील ड्राइव डूइंग वेरी हाई आरपीएम इंजन होंडाज। और कब कर रहे थे आप ये? 2004-05 में, 5-6 इंडिया में, हाँ यहीं पे इफ यू लुक बिहाइंड, यही पार्किंग, यही स्पॉट पे मेरा लैंसर खड़ा है जिसमें ईवो का इंजन लगा हुआ। मुझे लगता है मैं बहुत लेट हो गया आने में अगर आप तब से कर रहे हो ये सब। अरे बाप रे, तो मुझे तो यू आर वन ऑफ द पायनियर्स इन दिस फील्ड सर। यस एक्चुअली आई एम, या बहुत सही। अच्छा हम जो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे सर, ठीक है, इंजन स्वैप लोगों को सुनने में लगता है ठीक है, इधर का इंजन उठाया, ब्लॉक उठाया, डाल दिया, जो भी है ना बहुत इजी लगता है, लेकिन इतना है नहीं, ठीक है, तो वो सर आप मुझे जो बता रहे थे ऑफ कैमरा की कितनी दिक्कतें आती हैं, ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं ये इंजन आपने सोर्स कहाँ से किया? ये USA से है। इसको ना उठाते हैं, हाँ
डंडा लगा देते हैं, डंडा लगा देते हैं कि कार स्टिल अंडर वर्क में। हाँ बिल्कुल, और फिर इन डिटेल बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस वीडियो थ्रू तुम्हें फुल नॉलेज मिले और एक एक चीज पता लगे कैसे कैसे क्या, कि इस वीडियो के जरिए हर कोई मैकेनिक बन पाए, ठीक है। ये इंजन कितने का पड़ता है इससे, और यूएस से क्यों मंगाया आपने, इंडिया में सोर्स नहीं हो रहा, मिलता नहीं है, मिलेगा तो घिसा हुआ इंजन, किधर ऑयल लीक नहीं कुछ नहीं, सा बहुत टाइम से बाहर निकल के रखा हुआ रहेगा, वायरिंग टूट गया रहेगा, चूहा वायरिंग खा गया रहेगा, सो आई प्रीफर टू नॉट डू दैट। आई हैव पीपल फ्रॉम जापान जो यूएस इंजन बेचते हैं, मैं फिर इंजन यूएसए से इंडिया ला। कितने का पड़ता है 2JZ? रफली अबाउट 16-18 लाख के बीच में। क्या बात कर रहे हो, 16-18 लाख का पड़ जाता है ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाला, ये 16-18 लाख का इंजन। जब ये गाड़ी आई थी सर, सुपरा या एरिस्टो जो भी हम बोले, 2JZ का उस वक्त उतना क्रेज नहीं था जितना आज हो गया है। नहीं बराबर, मगर तभी मैनुअल एरिस्टो मैनुअल में बिका नहीं था, एरिस्टो वाज ऑटोमेटिक। आई अंडरस्टैंड कि अब तुम सोचोगे कि अच्छा इंजन ले लो, ऑटोमेटिक निकालो, मैनुअल ट्रांसमिशन डालो, कर रहे हैं वैसे ये भी। वो सब करने के लिए भी तुम्हारा 10-12 लाख तो ऐसे ही जाने वाला है। माइट एज़ वेल बाय कंप्लीट यूनिट फ्रॉम यूएसए अदर देन ट्राइंग टू फिगर आउट मेरा ये बोल्ट साइज अलग हो गया ना, वो बोल्ट साइज है, उसके लिए मैं आटा मार रहा हूँ, कभी तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं होगा। अच्छा सर, मेरी ना एक प्रोजेक्ट चल रही है ओमनी, मैं ओमनी को तैयार कर रहा हूँ फुल एग्रेसिव उसमें, ठीक है। तो हमारा प्लान, अच्छा सर वही वाली बात है कि इंजन सब हर कोई कर भी नहीं पाता, आज भी आप जो 4-5 से बात कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ आपके लिए बहुत फन वाली चीज़ हो गई है कि आपने कर करके छोड़ दिया, बच्चे लोग आज नया नया कर रहे हैं, इनको खुश होने दो, ठीक है, वो वाली चीज़ है। हमें बताया सर कि ऐसा मैकेनिक चाहिए होता है इसके लिए, ऐसा आदमी चाहिए होता है जिसको पूरा एक्सपीरियंस पूरा पता हो इंजन का भी और गाड़ी का भी, क्योंकि कोई भी इंजन किसी भी गाड़ी में ऐसे नहीं डल सकता। सो करेक्ट, नॉट एवरीबडी डज नॉट नो एवरीथिंग, मेरे को भी सब कुछ नहीं पता है। हाँ. मेरे को ये E46 करना था, सिर्फ मेरे माइंड में था कि E46 में ये कुछ डालना है मेरे को, E46 मेरे को मिली, फिर मैंने थोड़ा होमवर्क किया, जिसके लिए बना रहा था ना उसने भी मेरे को बोला, करण देख मेरे को मालूम है E46 में ना 2-3 प्रॉब्लम है, लाइक रस्ट पीछे अंडरनीथ देयर इज रस्ट, चेसी थोड़ा ट्विस्ट होता है, ओवर द इयर्स बेंड हो गया है, ऐसा सब छोटा 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 प्रॉब्लम रहता है। सो फिर हम लोग ने वो इंजीनियरिंग किया कि भाई पहले पीछे को जो रस्ट वस्ट है उसको निकाले, उसको री एनफोर्स करे, ताकि 2JZ का जो पावर बनेगा, जो भी रियर डिफरेंशियल में पीछे पावर जाएगा तो कुछ टूट ना जाए, कुछ फूट ना जाए, कुछ ट्विस्ट ना हो जाए। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज फॉर ऑल ऑफ दैट। दिखाएं फिर उसे, बिल्कुल हाँ उसे दिखाते, फिर इंजन पर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि सर मुझे वही बता रहे थे कि यार ये सबसे अहम चीज़ है, लोग यही नहीं बताते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो इफ यू सी, ये री एनफोर्समेंट है, वहाँ से हम लोग ने नीचे लिया है ऑल ऑफ दिस फुल यूनिट, ये मेटल पीस जो बनाया है, ताकि जो रियर डिफरेंशियल फिट होता है वो सिर्फ ये मेटल प्लेट, ये पत्थरे पे नहीं है, ये प्रॉपर लोखंड है, एल्यूमिनियम लोखंड, स्टेनलेस स्टील, वी यूज कॉमन, ऑफ कोर्स नॉट एल्यूमिनियम सॉरी, बट इज ऑल स्टेनलेस स्टील, वी वेल्ड दिस, इसको सीम वेल्डिंग बोलते हैं, स्टिच वेल्डिंग बोलते हैं, इसको वेल्ड करके ये एरिया को ना तगड़ा किया है, ताकि फिर इसमें आप कोई भी पावर डालो तो ये फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, विच द फोटोग्राफ्स हैव शोन यू दैट यू कैन शो दैट। बिल्कुल, मतलब ये दिक्कत रहती है ऐसे जब ओल्ड कार, नो ये 99 मॉडल या 2000 की है, मतलब ऑलरेडी 25 साल पुरानी गाड़ी हो गई है, 24 साल पुरानी, तो रस्ट तो होने वाला है, प्लस हम लोग बॉम्बे में है तो रस्ट होता ही, फिर मरीन पास, मोस्ट ऑफ दिस कार्स कम फ्रॉम योर नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, पंजाब से आती है, मगर रस्ट तो रहता है, रस्ट नहीं तो कुछ ना कुछ टूटा हुआ रहता है पीछे, जो पब्लिक को समझेगा नहीं जब तक तुम उसको पावर में पुश नहीं करोगे ना। 200 हॉर्स पावर के अंदर तो ये सब 150 हॉर्स पावर, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं इतना, जैसे इसमें आप 300 पावर डालोगे ना, यू विल स्टार्ट फीलिंग के एक्सीलरेटर मारो पीछे का थोड़ा अलग चल रहा है, आगे अलग चल रहा है, बिल्कुल, इज ऑल बिकॉज़ ऑफ दिस। ओके, पहले हम इस पे काम करते हैं, इंक्लूडिंग इवन दिस कार, ओके, इस पे भी पीछे लगा हुआ है ये सब। तो आपने चेसी से कनेक्ट किया है सीधा इसको, चेसी से कनेक्ट किया आपने इसको? हां, दिस इज पार्ट ऑफ द चेसी, पार्ट ऑफ द चेसी, अब पार्ट ऑफ द चेसी हो गया ना, बिल्कुल। और रोल केज का ये पूरा एलिमेंट दिखता है हमको, हाँ ये दिस इज स्ट्रट ब्रेस, जो पीछे दोनों स्ट्रट जहाँ शॉक अब्जॉर्बर माउंट होता है, हाँ हाँ, वो स्ट्रेस पॉइंट को ये नीचे ट्रांसमिट करेगा, तो ये यहाँ से ऐसा डिस्ट्रीब्यूट यहाँ तक आता है, सामने जाता है, इसको इक्वल वेट ट्रांसमिशन स्टेबिलिटी इक्वल रहेगी, एक तरफ ना जाए ऐसे, गाड़ी ना ऐसा ट्विस्ट होता है, आगे अलग चलता है, पीछे अलग चलता है, टू अवॉइड दैट वी हैव अ रोल केज, फिर पीछे में भी लेफ्ट और राइट अलग चलेंगे, हाँ, तो कम से कम ये इतना तो मालूम है कि ये एरिया एक साथ में रहेगा, टूटेगा नहीं और एक साथ में चलेगा। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, कुछ भी डाल सकते, अच्छा, ओके। तो अब सर अगर इंजन की बात करें, मैं देख रहा हूँ इसमें ट्यून वगैरह भी कर दिया आपने या फिर कैसा? नहीं नहीं, ये स्टॉक इंजन है अभी, अच्छा, ओरिजिनल ट्विन टर्बो, ट्विन टर्बो, हाँ,
ऑफ कोर्स सुप्रा इंजन है ठीक है। मैंने भी लेटेस्ट क्राउन की वीडियो बनाई ठीक है, वो आपको पता है उसमें जो 2JZ आता है वो NA आता है ना, उसमें ट्विन टर्बो का सीन नहीं आता। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सर 2JZ विद ट्विन टर्बो। इसके लिए तो 18 लाख का है ना, वो नॉन टर्बो चाहिए तो 4-5 लाख 5-6 लाख में। अच्छा वो इतने का मिल जाता है। अच्छा सर इसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करें आप क्या क्या पार्ट है और क्या क्या मतलब ऑडियंस को समझना चाहिए इसमें। सो बेसिकली ये जो इंजन इज वन पीस ओके, हम लोग ने इंजन को कुछ छोटा वट्टा नहीं किया, जो 2JZ इंजन है वो ये है। नाउ व्हेन यू फिट इट इनटू अदर कार तो उसके लिए हम लोग को ये रेडिएटर के पाइप्स बनाने पड़ते हैं। ओके फिर रेडिएटर बनेगा, रेडिएटर के पीछे शील्ड जहाँ पे उसका फैन लगेगा। तो बेसिकली इंजन लगता है ना, फिर हम लोग को यहाँ से यहाँ का ना डिस्टेंस चाहिए। अच्छा ये डिस्टेंस के बीच में ये 2-3 चीज फिट होनी चाहिए। फिर आप आगे आओगे तो उसका इंटरकूलर है, उसका ऑयल कूलर है, और इधर अंदर किधर अभी मेरा आदमी है जो इसमें AC का कंडेंसर डालेगा। सो देयर इज इतना स्पेस छोड़ना है कि कंडेंसर भी आया। हाँ, इंटरकूलर है, ऑयल कूलर है, इसके अंदर कंडेंसर है, रेडिएटर है, बारीकी वाला काम है, बिल्कुल इसका खेल है ये। तो सब लोग कोई भी कुछ भी डाल दोगे, ये इंटरकूलर की पाइपिंग वगैरह प्रॉपर बना रखी है यहाँ से। यस, ये ऑयल कूलर है। ओके इंजन ऑयल कूलर कुछ लीक हो रहा था, सो माय बॉयज हैव स्टॉप्ड इट, डिस्कनेक्टेड इट फॉर नाउ, ताकि गाड़ी चालू होए हम लोग और भी कुछ टेस्टिंग कर सके। ओके देखो ये सर, हाँ ये तार अलग से जो आ रही है, ये कुछ तो भी वायरिंग चेक कर रहे बॉयज। ये लग रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का है, उसको लोग ने डायरेक्ट करके देखा है फॉर सम रीजन। Once they figure out the problem, then we will rectify. Okay, and यहाँ पे पूरा एयर फिल्टर अपना देख सकते हैं हम, ठीक है सर। कोल्ड एयर इंटेक वगैरह वाला सिस्टम इसमें करने का ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है। इंटरकूलर है, इंटरकूलर तो बहुत इनफ है, वैसे जाएगा खींचेगा हवा, प्रेशराइज होते यहाँ से कोई घूम के और बीच में जो आवाज आता है ना फुश, दैट्स अ ब्लो ऑफ वाल्व, BOV, दैट्स द ब्लू कलर। बिल्कुल बिल्कुल सर, को बता रहा था ऑफ कैमरा कि यार हमने सर ऐसी काफी गाड़ियां कवर कर रखी है तो मेरे कुछ डाउट भी रहेंगे सर इसमें। जैसे आपने BOV तो अलग से लगाया होगा ना। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब ओरिजिनल आता है यहाँ पे ऊपर आता है। हाँ हाँ, एंड इट्स अ साइलेंट BOV, यहाँ से हवा निकल के ना इसमें जाता है, तो हम लोग ने कैंसिल करके यहाँ लगा। एक बार सर लोगों को डिफरेंस बता देते हैं, व्हाट इज BOV एंड व्हाट इज डायवर्टर वाल्व। ठीक है, ब्लो ऑफ वाल्व इज व्हाट द जापानीज कॉल BOV, डायवर्टर वाल्व इज व्हाट द यूरोपियंस कॉल BOV। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो डाइवर्टर थोड़ा डिफरेंट है ना, BOV तो फेंक देता है बाहर। हाँ, तो डाइवर्ट वो डाइवर्ट कर रहा है। हाँ, वापस इंटेक में डाइवर्ट कर सकते हो, तुम उसको हवा में भी छोड़ सकते हो। हाँ, तो इट इज वेंट टू एटमॉस्फेयर, वेंट इनटू सिस्टम। पर मुझे लगता है सर ज्यादा अच्छा डाइवर्टर होता है, आपने उस एयर को वेस्ट ना करके उसी को आपने वापस भेज दिया। नहीं, दैट इज इफेक्टिव एट लोअर स्पीड, लोअर RPM इन योर स्मॉल इंजन। ओके, हाँ ऐसा 200 horsepower का इंजन है तो उसमें डाइवर्टर वाल्व डालोगे तो इट इज सर्कुलेटिंग एयर। फॉर ओवर 300-400 horsepower तो डाइवर्टर वाल्व, तो फिर BOV जापानीज का आवाज है यार, यू आर पेइंग फॉर दिस साउंड, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, टर्बो का साउंड, व्हाट एवरीबॉडी वांट्स टू हियर, रटा टाटा, वो तो अलग से जो है, जो भी बोल रहा है यहां से निकलता है। यार मैं तुम लोगों को ना बहुत ज्यादा सॉरी बोलना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि हम इस गाड़ी की तुम्हें आवाज सुना नहीं सकते, क्योंकि अभी काम चल रहा है इस पे। ट्राई करते हैं, लड़के लोग को पूछता हूं, दे कैन फायर इट अप।